हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम बनाने वाले हैं बेकार जो डिब्बे पड़े होते हैं उससे प्लांटर। तो ये मैं 10 रुपए का डिब्बा लेकर आई थी काफ़ी टाइम पहले, और ये ऐसे रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसका मैं कुछ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना मैंने इस पर जो वॉल पुट्टी का जो पेस्ट होता हल्का हल्का, वो मैंने इस पर पेंट कर दिया है। उसके बाद मैं स्काई ब्लू कलर से पेंट कर रही हूँ जो एक्रेलिक कलर का एक्रेलिक है। और ये देखिए, वॉल पुट्टी से ही मैं इसमें थोड़ी सी उसका ना आई बनाऊंगी, और उसके बाद इसको मैं अच्छे से शेप दे दूंगी आई का। तो आप भी अगर आपके यहाँ भी पुराने डिब्बे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं तो आप भी प्लांटर बना सकते हैं या कोई कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसका फेस बनाया हुआ है। तो ये मैंने सूखने दिया है 3 से 4 घंटे। अब मैं इसमें जो वॉल पुट्टी है उसमें ना मैं थोड़ा सा कलर कर दे रही हूँ ताकि वाकई में लगे कि हाँ एक फेस बना हुआ है। तो ये मूछें हैं, मूछें मैंने ब्लैक किया है। ये नोज है, नोज मैंने थोड़ा सा स्किन कलर होता है ना, बट मैला कलर बोलते हैं उसको, जो उससे कर दिया है। और मैरून कलर से लिप्स का मैंने पेंट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए, फाइनल लुक इसका ऐसा है। और चलिए मैं इसको स्टाइल करके बताती हूँ कि किस तरीके से मैं इसको रखा हुआ। एक लेस मुझे मिल गई थी तो मैंने उस लेस को ऊपर लगा दिया है क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये मनी प्लांट है तो डायरेक्ट मैंने उसमें नहीं लगाया है, ये अलग से रखा हुआ था तो उसी को मैं उसमें रख दे रही हूँ। और ये जो देख रहे हैं आप छोटे छोटे क्राफ्ट, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले बनाए हैं, तो ये इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, घर को सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ। तो ये जो है ना, ये करवा रखा हुआ था, जो करवा चौथ पर मैं लेकर आई थी, तो इस पर भी मैंने वॉल पुट्टी का पेस्ट फेविकोल के साथ मिक्स करके थोड़ा थोड़ा मैंने उसमें पेंट कर दिया था। अब मैं इसमें ना पिंक कलर है, ये पता नहीं कौन सा पिंक है, तो ये वाला मैं इसमें कर दे रही हूँ। और इसमें जो नोज़ लगी हुई थी ना, टोडी बोलते उसको, वो मैंने तोड़ दी है। और ये वॉल पुट्टी के डॉ से ही मैंने इसकी आई बनाई है। तो अब उसको मैं ना इसको मैं इसमें फिक्स कर दूंगी। तो ये इसको या तो आप फेविकोल से भी फिक्स कर सकते हैं या फिर मैंने ग्लू गन से फिक्स किया हुआ है। पहले मैं इसको कलर कर देती हूँ इसी में। तो इस तरीके से मैंने बीच में रेड किया हुआ है और जो बाकी का पोर्शन है उसमें स्काई ब्लू कलर है। ये जो है, ये है चोंच। तो देखिए अभी क्या बनने वाला है आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना ये फेस किसके जैसा लग रहा है जो मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ज़रूर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सब कुछ चिपका लिया है और अब हम इसको रियल में आई का लुक देंगे। तो ब्लैक कलर से मैं इसमें राउंड शेप कर दे रही हूँ बीच में जो स्पेस है उसमें। इसी तरीके से अगर आपके घर में कोई बेकार फालतू चीजें होंगी ना, उनसे आप भी बना सकते हैं। मुझे लगा फेंकना क्यों, हम इसे यूज में क्यों नहीं ले सकते, इसलिए मैंने। ये देखिए, इसका फाइनल लुक ये है। अभी मैंने इसमें कुछ लगाया नहीं है पर जल्दी ही लगाऊंगी। अभी मैं इसमें ऐसी रख के दिखा दे रही हूँ आपको। तो चलिए, अब नेक्स्ट जो है प्लांटर हमारा, ये है कप, मिल्क कप, इससे बनाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा जो है होल करती हूँ, और इसमें भी मैंने लगभग सेम प्रोसेस, वॉल पुट्टी का पेस्ट। और ये मैंने कोन बनाया हुआ था तो कोन से ही मैंने ये थोड़ा सा मैंने उसकी आई वगैरह बना दी है। और अब मैं इसको ना येलो कलर से डिज़ाइन करने वाली हूँ, येलो कलर। तो ये लिया है येलो, और चलिए फटाफट मैं कर देती हूँ। तो
और ये है इसके पंख जिसको मैं कर रही हूँ ग्रीन कलर से। तो आई मैंने किए हैं पर्पल कलर एंड वाइट अभी फिलहाल। तो गाइज आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसकी आई और चोंच रेडी कर ली है। और आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर दिया है। छोटा सा पॉट है, अब मैं इसमें क्या लगाने वाली हूँ पता नहीं, पर जल्दी ही एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इसमें मैंने क्या लगाया है। तो आपको मेरे तीनों क्राफ्ट कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।